जय हिंद दोस्तों, मैं निशांत कुमार गर्दनीवाग फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। मद निषेध एसआई का दरोगा का जो अभी फिजिकल चल रहा था तो ग्राउंड को भी हम एक बार दिखाए थे, फिर दोबारा नहीं दिखा पाए और दो दिन से मेरा तबीयत भी खराब था और आज भी हम तबीयत खराब के कारण हम अपना ग्राउंड पे भी लड़के के साथ नहीं खड़ा रहे, बट जो लड़के अच्छे करने वाले थे वो किए। आज हम इसी पे बात करेंगे कि कितने बंदे का प्रॉब्लम हुआ और कितने लड़के अच्छे तैयारी किए थे और उनको गर्दनीबाग आके बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि सीएसबीसी हो या बीपीएससी हो, ये जो है कभी भी ग्राउंड बनाती नहीं। क्यों? क्योंकि उसका काम है बस ग्राउंड आया, जो ग्राउंड में मिला उस पे ही उसका 1600 मीटर नापा और उस दौड़ करवा लेता है। एमटीएस का दौड़ हुआ था, एमटीएस का दौड़ के बाद जो बालू उस पे डाला गया था पानी के कारण, लगभग आधा फीट बालू डाला गया था, आधा फीट से भी ज्यादा, उसके कारण क्या था कि बालू में पैर फंस रहा था। जो लड़के मतलब 5:22 का दौड़ भाई जो दौड़ते थे उनको लगा लगभग 6 मिनट। आप सोच लीजिए, जो लड़के बॉर्डर लाइन पे कभी पास नहीं करेंगे, इसी के कारण बहुत लड़के फेल किए हैं। टोटल हमें लगता है कि 50 से भी नीचे लड़के पास किए हैं। लड़का का बात करें, बाकी लड़की का भी दौड़ चल ही रहा है, उसी में देखिए एक मेरे कैंडिडेट है अजय, जो कि मद निषेध में हम इसको तैयारी करवाए थे। इनका कांस्टेबल में मद निषेध में भी दौड़ हो चुका है और पढ़ाई भी अच्छा प्रिपरेशन किए थे, जिससे कि दरोगा में भी इनका रिजल्ट था। तो आज ये फाइनली दौड़े हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं कि ग्राउंड इसके पहले जो मद निषेध में दौड़े थे और अब जो दौड़े, क्या इनका हालत था वहाँ पे और कैसा ग्राउंड था, तो ये पूरा बात बताएंगे। अजय जी बताइए कि क्या क्या मतलब ग्राउंड में दिक्कत हुआ। ग्राउंड में दिक्कत ये हुआ कि मतलब पहले जो मद निषेध में ट्रैक बना था वो पूरा मतलब समतल था, ठीक है, समतल था और मट्टी था, मट्टी था उसको। लेकिन इस बार मतलब तीन साइड आपको बालू मतलब इतना आधा फीट बालू डाल दिया गया पूरी तरीके से। दौड़ने में पैर मतलब धस जा रहा है नीचे, और उसके बाद जो लड़का 6 मिनट या 6:10 का दौड़ है जिन लड़कों का, वो फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। जो 5:30 के धावक हैं, 5:45 का धावक है, सिर्फ वही पास हो रहे हैं। आपको बता दें सर कि 30 में मतलब एक बैच ऐसा था कि मतलब लगभग में तो तीन ही पास हो रहे हैं, 30 में तीन पास हो रहे हैं, 30 में तीन पास हो रहे हैं, बताइए 30 में तीन पास हो रहे हैं, और एक बैच ऐसा था 30 में 300 फेल हो गए। सोचिए क्या हालत था, मतलब कि ये रिजल्ट, ये लड़का को कितना मतलब जासी किया गया, लेकिन चलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब बात करेंगे कि एससी कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट या जनरल जो भी हो, आप अपना अपना कमेंट करके बताएंगे कि कितने लोग पास किए हैं। उससे क्या होगा कि एक कटअप बनाने में आसानी हो जाएगी कि कितने लड़के का कटअप बनेगा, मतलब किस लेवल का बनेगा। तो अगर एसटी होंगे जो लड़के, एसटी में अगर अदर और भी पास किए होंगे तो एसटी वाले भी बताएंगे कमेंट करके कि हम भी एसटी में हैं और हम पास किए हैं। तो जितने लोग आप कमेंट करेंगे उसका आराम से हम सब रिजल्ट निकाल सकते हैं और जल्द ही आपका मतलब रिजल्ट जारी करेंगे और उसी तरह का आपका मेरिट बनने का चांस रहेगा। तो यही चीज है। और दूसरा चीज की मद निषेध में भी इनका रिजल्ट है था और कम्युनिटी पोस्ट देखिएगा, इनका फोटो डाला हुआ है तो उसमें भी नंबर अच्छा है, उसमें भी नौकरी होने के चांस पूरी है। बट अगर दरोगा हो जाएगा तो क्यों जाएगा कॉन्स्टेबल भाई, तो आप समझ ही रहे हैं। तो आ जाइए, देखिए ये लड़का कितना टाइम लगता था तुम्हारा मद निषेध में। मद निषेध में हम मतलब सर के पास जब मारते थे 5:25 लगभग आए थे तो 6 पार हो गया था। शुरू में आए थे तो 6 पार हो गया था, सर बोले कैसे दौड़ रहे हो, 6 पार हो गया। फिर उसके बाद एक और दिए तो उसमें 6:30 आया। फिर जब फाइनल अब दौड़ा है लास्ट वाला एक, उसमें 5:25 लगा है। फाइनली 5:25 हमारा 1600 मीटर जो रहता है एकदम सीएसबीसी के अनुसार रहता है, वहाँ पे ग्राउंड भी तुम्हारा नॉर्मल वही था तो वो ग्राउंड पे मारा। लेकिन इस बार जो बालू के कारण समझ लीजिए कि 5:57 लगा, 5:57 लगा ना, 5:57 लगा तो समझ लीजिए कि कितना ज्यादा 25 सेकंड के लगभग में, 22 सेकंड के लगभग में जा रहा है। अब बताइए कि लड़का कैसे नहीं फेल करेगा। तो बहुत लड़के फेल किए हैं, हमारे पास कैंडिडेट ज्यादा नहीं था, लगभग 4 गो था जिसमें 2 लड़का पास किया है और 1-2 फेल कर गया लगता है। अभी एक का फाइनल अभी नहीं पता चला है और 2 गो पास किया है, और बहुत लोग के पास 20-25 लड़के थे उसका भी 2-3 को पास किया। तो सोच लीजिए रेशियो क्या है। बस हम यही चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितना लड़का कौन, मतलब अपना कास्ट जरूर बताएं कि कौन एससी एसटी ईबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कितने लोग हैं, वो कमेंट करें, इससे हम जारी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कौन लड़के कितने का मतलब रिजल्ट आया है, कितना गुना रिजल्ट आया, उससे हम निकाल कर आपको जल्दी ही रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो सोच लीजिए इतना। और एक चीज और बता दें कि
दरोगा में टाइगर और सब चीज हटा दिया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। आप इसके अगले वाले भी दरोगा जब हुआ था बीएस कॉलेज में, वहाँ भी मतलब लिया जा रहा था जो जैसे आप पास कर जाइए लेकिन पास कीजिए, उसी तरह मद निषेध में भी दिया गया। अब तो गद्दा भी दे दिया गया, गद्दा दिया गया और उसमें टाइगर मार दीजिए, सीजर मार दीजिए, जो मारना मार दीजिए, बस खाली पास कर जाइए, क्योंकि लड़का नहीं पास कर रहा है। जितना सीट था लड़का का उस सीट से कम ही पास किया, 34-35 लड़का टोटल पास किया होगा, उससे ज्यादा पास नहीं किया है। तो धन्यवाद, आपको वीडियो इसी तरह हम देते रहेंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एसटी लोग कितने पास किए।